आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, चाहे वह सिंगल कलर हो या मल्टीपल कलर हो, और फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद उसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन वो एप्लीकेशन है जिससे हम अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और उसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको प्ले स्टोर से बैकग्राउंड इरेजर को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कीजिएगा। मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं बताता हूँ कि पहले आपको मल्टीपल कलर को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो मैं पहले वो वाला फ़ोटो को रिमूव करके बताता हूँ। तो लोड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा गैलरी में है तो मैं गैलरी में से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कलर वाला फ़ोटो है, तो इसको हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। यहाँ पर डन वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ मैन्युअली जाके इस तरीके से फ़ोटो को हटा सकते हैं बैकग्राउंड को, या आप चाहे तो यहाँ पे मैजिक आपको वाले पे क्लिक करके इस तरीके से आप जो फोटो का जो है बैकग्राउंड इस तरीके से आप हटा सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको टाइम लगेगा इस तरीके से हटाने में, मगर हटेगा तो ज़रूर परफेक्टली है आपका फ़ोटो रिमूव होगा। अगर ये फ़ोटो कट उठ जाता है तो यहाँ अंडो रीडू का ऑप्शन इस तरीके से आप ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटो का ऑप्शन है, ऑटो वाला भी जाके जाइएगा और बैकग्राउंड पर जहाँ भी रखिएगा वो परफेक्टली देखिए यह यहाँ पर गायब हो चुका है। अगर कहीं कुछ बच जाता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैजिक बजा के और इस तरीके से इसको इस तरीके से रिमूव कर देना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्टली तरीके से ये आपका रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, मैं ज़्यादातर यही यूज करता हूँ और इससे बहुत ही शानदार तरीके से बैकग्राउंड है रिमूव होता है। यहाँ देख भी रहे होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ओके कर देंगे, आप इसमें टाइम देंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। आप देख भी रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। फोटो को स्मूथली बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो का स्मूथली बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ सेव कर देंगे तो आपका जो है गैलरी में जाके ये सेव हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं कि किस तरीके से हम, अगर आप सिंगल कलर हो बैकग्राउंड में तो उसका कैसा किस तरीके से हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो इसके लिए लोड ए फाइल पर लोड ए फोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा फ़ोटो को उसमें इंसर्ट कर लेना है। जैसे मेरा गैलरी में है, गैलरी में से मैं फ़ोटो को इस तरीके से चूज कर लेता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर सिंगल कलर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फ़ोटो को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ डन वाला पे क्लिक करके फ़ोटो को इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें मैं बताता हूँ कि किस तरीके से, अगर आप मैजिक का यूज़ कर रहे हैं तो मैजिक भी कर सकते हैं, मैनुअल से कर सकते हैं, या मैजिक से इस तरीके से कर सकते हैं, या ऑटो से जाकर आप पूरा इस तरीके से एक ही बार में पूरे को गायब कर सकते हैं। अगर इस सबसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर अंडो करेंगे, या अगर आप मैनुअली मैजिक या ऑटो सब नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला है, एक्सट्रैक्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे कीप है। जिस भी पार्ट को आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप पार्ट को इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ही परफेक्टली तरीके से आपका ये फ़ोटो रिमूव होगा। बहुत ही शानदार ये एप्लीकेशन है, ज़्यादातर जो है फ़ोटो रिमूव करता है तो इसी वाले से, जो भी है फ़ोटो रिमूव करने वाला सब ज़्यादातर इसी से फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड को रिमूव करता है। इसका जो भी पार्ट को हटाना चाहते हैं रिमूव वाला जो बल जाएंगे और इस तरीके से उस पार्ट को सेलेक्ट कर लें जिस पार्ट को आप हटाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरी तरह बहुत ही शानदार तरीके से इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें कुछ टाइम दीजिएगा तो आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बैकग्राउंड रिमूव होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसका जो भी पार्ट आपका बच जाता है या तो आप मैजिक पे जाके इसको हटा सकते हैं इस तरीके से, या तो आप ऑटो पे जाके हटा सकते हैं इस तरीके से हटा सकते हैं, या मैजिक पे जाके इस तरीके से जो भी पास और पार्ट अगर बच जाता है तो इस तरीके से बहुत ही परफेक्टली तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यह बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, एक बार आप इसको यूज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत ही शानदार है, तो आप इसको आप बार बार यूज कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका डाउनलोड भी हुआ है और ज़्यादातर जो है
पर्सन जो है इसी एप्लीकेशन का यूज करता है बैकग्राउंड रिमूव हटाने में। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से ये रिमूव हो चुका है। अगर इसमें कुछ कट फूट जाता है तो यहाँ पे अंडो और रीडू का ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसको ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर डन वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। इसको इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर नो लेटर कर देंगे, यहाँ पर देखिए फिनिश कर देंगे, ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप अपने फोटो के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो उसको उसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए कोई नया एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वो एप्लीकेशन को मैं बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे है पिक्सल लैब, तो यहाँ है पिक्सल लैब, पिक्सल लैब को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी इसमें जो है ये बैकग्राउंड इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, या आप चाहे तो गैलरी से भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर डिलीट पर जाकर इसको हटा सकते हैं, और इसमें आप पहले कोई भी अब बैकग्राउंड लगा लेंगे। इसलिए तो यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, जहाँ भी आपका फोटो वगैरह रखे होइएगा तो फोटो को सेलेक्ट करके आपको इसमें ले आना। जैसे मैं यहाँ पर गैलरी पर ओपन ओके करता हूँ, यहाँ मैं फोटो रख रखा हूँ, इस तरीके से मैं फोटो को इसमें एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, और इस तरीके से आपको फोटो का साइज भी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे फोटो का, इस तरीके से आप इसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर थ्री डॉट पर यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज साइज, इसको हम यूट्यूब में कर लेते हैं। यूट्यूब के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब थंबनेल, इसको इस तरीके से आप यूट्यूब में कर लेंगे, यूट्यूब थंबनेल में इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्टली तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब जहाँ भी आपका फोटो होगा, फोटो का आपको इस तरीके से गैलरी में जाना है, आपको आपका जहाँ भी फोटो होगा फोटो को गैलरी में जाकर आपको इसमें ला के एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मेरे यहाँ है, मैं इरेज करके लाया था, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फोटो का यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोटो को लगा देता हूँ। तो देखिए बहुत ही परफेक्टली तरीके से रखते हैं। देखिए मैं यहाँ फोटो लगा देता हूँ, अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप लिखते हैं गुड टाइम, और यहाँ से इस तरीके से। अब इसका कोई कलर वगैरह भी देना चाहते हैं तो इस तरीके से जाएंगे कलर पे, और यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह भी आप इसको चूज कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं, इस तरीके से ओके कर दीजिएगा। देखिए कितना परफेक्टली तरीके से ये लग रहा है। इसका सेव करने के लिए यहाँ पर जाएंगे जो, और ऊपर में जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड से बगल में, और यहाँ पर सेव इमेज इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस सेव का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको कस्टम जो है यहाँ पर आपको PNG चूज कर लेना है, तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कस्टम लो मीडियम हाई है, तो इस तरीके से भी इसको रख लेना है। या यहाँ पर आपको देखिए JPG है, PNG है, तो यहाँ PNG कर लीजिए, यहाँ कस्टम रख लीजिए, या यहाँ पे लो मीडियम हाई कस्टम ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मेट PNG कर लेना है, इसको यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, यह आपका जो है गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड का कोई फोटो का बैकग्राउंड बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, और उसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी शानदार और कितना आकर्षक ये लग रहा है। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ।